नमस्ते जी, मेरा नाम है देव तिवारी। आप देख रहे हैं वेट टेक्निक्स यूट्यूब चैनल। मोस्ट आस्ड क्वेरी है कि वीसीआई का जो स्ट्रे राउंड भी कंप्लीट हो चुका है, हो चुका क्या, काफी टाइम ही हो गया है, लेकिन अभी तक रिफंड नहीं आया है वीसीआई से। रिफंड कब आएगा काफी बच्चों का। तो देखो, जिसने मेरी वीसीआई की सीरीज देखी, वैसे तो मैं वेटनरी की, स्टेट काउंसलिंग, ऑल इंडिया काउंसलिंग, वीसीआई की सभी अपडेट करता रहता हूं। अगर आप इस वीडियो पर नए पहली बार देख रहे हो तो नेक्स्ट ईयर से ज्वाइन हो जाना वेटनरी से रिलेटेड कॉन्टेंट के लिए। अगर पहले से देख रहे हो, मुझे जानते हो, मेरे रेगुलर व्यूअर हो, तो मैंने सभी कुछ अपडेट किया आपको। तो ये क्वेरी बहुत आ रही थी, मैंने इतने दिन वीडियो बनाई नहीं थी क्योंकि मुझे प्रॉपर खुद को पता करना था कि रिफंड आ भी रहा है या नहीं। तो इस वीडियो के अंदर वही बताऊंगा कि रिफंड कैसे मिले, किसका आ गया है, कैसे क्या होगा। तो उसके लिए पहले स्क्रीन पे चलते हैं कि वीसीआई साइट क्या कह रही है, कि उन्होंने रिफंड अपनी तरफ से प्रोसेस कर दिया है या क्या पता उन्होंने ना किया हो, तो आप लोग क्यों तंग हो रहे हो कि वीसीआई का रिफंड कब आएगा। तो सबसे पहले मेरे साथ स्क्रीन पे चलो, स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूं। तो ये मैं आपके सामने वीसीआई साइट पे आ गया हूं, एक बार रिलोड कर देता हूं। थोड़ा बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर करना यार, भाइयों यार, भाइयों उनकी बहनों जो भी है, मैं घर आया हूं यार, देखो ऐसी बात है। तो देखो, जो वीसीआई काउंसलिंग है उसके ऊपर देखो, स्ट्रे राउंड एलिजिबल कैंडिडेट्स रिफंडेड बैक, ये सबसे ऊपर मेन नोटिफिकेशन आ रहा है। फिर से दिखा देता हूं, बाकी और भी नोटिफिकेशंस हैं, ये देखो आपके सामने है। रिपोर्ट करना है, ये करना है 28 को, मतलब काउंसलिंग स्ट्रे राउंड की 28 को एंड हो गई थी, जो रिपोर्ट वगैरह करना था आपको। ठीक है, तो मेन बात कर लेते हैं, रिफंड का क्या बोल रही है साइट, क्या बोल रही है वीसीआई वाले, क्या बोल रहे हैं, एक सेकेंड। सबसे पहले तो ये देखो कि रिफंड कितना था, 50,000 पे किए थे जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस वालों ने, और 25,000 पे किए थे एससी एसटी एंड पीएच कैंडिडेट्स ने। तो इतने रिफंड होने चाहिए थे। तो रिफंड के लिए साइट के ऊपर क्या नोटिफिकेशन है, जो रिफंड का मेन नोटिफिकेशन होना चाहिए वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये आपके सामने देखो लिखा हुआ है, स्ट्रे राउंड एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी रिफंडेड बैक द सिक्योरिटी फीस अमाउंट टू द सेम अकाउंट फ्रॉम विच दे पेड द फीस। तो इन्होंने अपनी तरफ से बोल दिया है कि ये रिफंड कर रहे हैं, तो प्रोसेस शुरू हो चुका है। अब मैं बताता हूं, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनको लास्ट में सीट मिल गई थी, उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया, सीट मिलने के बाद छोड़ दी, तो आपको कोई रिफंड नहीं होगा, ये रूल में लिखा हुआ था, जो इनके वीसीआई के रूल्स होते हैं, क्योंकि आपने सीट लेकर छोड़ दी। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको सीट मिल गई, वो ओके भी थे बट रिपोर्ट नहीं कर पाए, तो मतलब एक तरह से सीट छोड़ ही दी, तो उन्हें भी रिफंड नहीं मिलेगा। यहां रिफंड किसको मिलता है, आपने पे की स्टे राउंड में फीस, अगर आपको वो वापिस चाहिए फीस, अगर आपको कॉलेज नहीं मिला, मान लो कोई भी स्टे राउंड के अंदर कॉलेज आपको नहीं मिला, तो वो आपको फीस वापिस मिल जाएगी। तो बस एक ही मेन रूल होता है कि आपने फी पे की, सीट आपको अलॉट नहीं हो पाई, वीसीआई से आपको सीट नहीं मिल पाई, तो आपको रिफंड हो जाएगा। तो कुछ बच्चों को रिफंड आ चुका है, कुछ को नहीं आया। जिनको नहीं आया वो क्या करो, देखो जिनको आ गया है तो बढ़िया है, जिनको नहीं आया वो क्या करो, अभी वेट करो, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा चलता है, लगभग एक महीना लग जाता है प्रॉपर पूरा रिफंड आने में सबको। जिसको नहीं आया है, पहले तो ये चेक करो कि आपको सीट मिली थी या नहीं मिली, नहीं मिली हो तो बिल्कुल आप एलिजिबल हो रिफंड लेने के लिए, तो नीचे आओ आराम से। नीचे आने के बाद आप क्या करो, यहां पर देखो कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन मिलेगा आपको, कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करो। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस पे जाने के बाद यहाँ पे फोन नंबर मिल जाएंगे, दो फैक्स मिल जाएगा, ये इनको ऑफिस मिल जाएगा, जो दिल्ली से आसपास है वो तो जाओ ऑफिस में पहुंच जाओ, दाबा बोल दो, अरे मजाक कर रहा हूं ऐसा कुछ मत करना। यहाँ पे फोन नंबर है, इनको कॉल कीजिए, ये आपके हेल्पलाइन पे हेल्प करेंगे कि आपको रिफंड कब तक आ जाएगा, आपको बता देंगे। एक यही ऑप्शन है, या आप इन्हें ईमेल कर दो या आप इन्हें कॉल कर दो, यही करो, नहीं तो थोड़ा वेट करो, आपको अब मिल जाएगा रिफंड। और सबसे पहले ये चेक करो कि आप एलिजिबल हो क्या रिफंड लेने के लिए, जो आपने पे किया था। बस इस वीडियो में यही डाउट सोल्व करना था, क्योंकि ये कोई बता नहीं रहा है अभी वीडियो। ठीक है, सब अपना काउंसलिंग एंड करके बैठ चुके हैं, बच्चों को टेंशन हो रही है, तो टेंशन मत लो, अगर आपको आप एलिजिबल हो तो आपको पक्का रिफंड मिलेगा, उसकी आप टेंशन लो मत। बाकी कोई भी दिक्कत आए, टेलीग्राम पे ज्वाइन करो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करो, सबसे पहले अपडेट आते हैं। कोई भी नेक्स्ट ईयर भी वेटनरी की काउंसलिंग वगैरह, वेटनरी से रिलेटेड कॉन्टेंट मैं बनाता रहूंगा। तब तक मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, और यार करो यार सब्सक्राइब कर दो, 20,000 तो करवा दो, इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता हूं, आपकी सारी क्वेरीज सोल्व करता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।